आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा ने एग्जिट पोल को नकारा तो रामस्वरूप ने स्वीकारा। आश्रय बोले, गलत साबित होंगे आंकड़े। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा और उनके पिता अनिल शर्मा ने परिणामों से पहले दिखाए जा रहे एग्जिट पोल को नकार दिया है, जबकि भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने एग्जिट पोल को उत्साहवर्धक बताया है। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा का कहना है कि पहले भी देश में कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। वहीं पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक शर्मा ने भी एग्जिट पोल को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ लोगों के साथ बातचीत के आधार पर तय होते हैं, जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक विशाल और दुर्गम क्षेत्र है। वहीं भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने एग्जिट पोल को उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही, ऐसे में भाजपा की सरकार बनना पहले से ही तय है। उन्होंने कहा कि नतीजों से पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और अब नतीजों का आना बाकी है। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत के साथ देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या बोले तीनों नेता। देखिए, ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल हैं। लोगों के बीच में मैं घूमा हूँ 1.5 महीने में, मैंने ऐसा कोई लहर का कोई देखा नहीं, कहीं पे भी रूप नहीं देखने को मिला है। और अगर ओपिनियन पोल है तो मैं समझता हूँ 23 तारीख भी दूर नहीं है, ज़रूर सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और अधिकांश ओपिनियन पोल पूर्व में गलत भी सिद्ध हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक सक्षम पार्टी है। हमने एक अच्छा चुनाव लड़ा है, एक अच्छे रणनीति के तहत लड़ा है, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अच्छे परिणाम हमारे तरफ आएंगे। जहाँ तक हिमाचल की बात है, मंडी पार्लियामेंट हल्का लगभग 65% इलाका जो है इस चुनाव क्षेत्र के अंदर है, बहुत दूर दराज इलाके हैं। और दूर दराज इलाकों के अंदर लोगों के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, वो 23 तारीख को ही इसके ऊपर जवाब आएगा। फिर भी मैं कह सकता हूँ, चाहे पिछले विधानसभा क्षेत्र की बात ही, तब भी मेरे बारे में कहा जाता कि इस चुनाव हार चुके हैं, परंतु रिजल्ट उल्टा आया। अब भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस चुनाव के अंदर लोगों ने अपने आप जो भी फैसला लिया होगा, वो 23 तारीख तक तो ही जो उसका फैसला आएगा, और 23 तारीख को जो है लोगों ने जो मत भी दिए होंगे उसके ऊपर ही मैं कह सकता हूँ असली ओपिनियन पोल तो उस दिन आएगा सामने, और जो भी विचार होंगे उस दिन पता लगेगा। ये बिल्कुल उत्साहवर्धक है और हमें विश्वास है कि इससे बढ़कर सीटें हम जीत कर आएंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो आंकड़े दिए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे अब की बार 400 पार, यानी हम उस 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 लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास है। जनता का उत्साह पूरा, बहुत ज्यादा उत्साह जनता में था, और मुझे पता कि ये जो सर्वे आया उसमें भी हम और आगे बढ़कर भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं।